एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड. यस, एज यूजुअल सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब घर पे आराम से हैं, है ना? ओहो, आई नो कि सबका स्कूल आने का मन कर रहा है ना? पर हम अभी स्कूल तो नहीं आ सकते, तो हमें घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी है. ओके, तो चलिए, आपको पता है ना कि हमने पाठ 17 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है. गुड, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 18, और जिसमें हमें पढ़ना है एक कविता. और कविता का क्या नाम है? अधिकार. कविता का क्या नाम है? अधिकार. और इसे किसने लिखा है? इसको लिखा है कवियत्री महादेवी वर्मा जी ने. महादेवी वर्मा जी ने, ये देखिए लिखा हुआ है, कवियत्री महादेवी वर्मा जी. पेज नंबर 105 खोलिए. बच्चों, पता है कि कवित्री किसे बोलते हैं? जैसे किसी पुरुष ने अगर कविता लिखी है तो वो हो गया कवि, और अगर किसी स्त्री ने या महिला ने कविता लिखी है तो उसको बोलेंगे कवित्री, है ना? इसी प्रकार से अगर किसी पुरुष ने किसी पाठ को लिखा है तो उसको हम बोलते हैं लेखक, और अगर किसी महिला ने लिखा तो वो हो गई लेखिका, है ना? तो ये कौन है? कवित्री महादेवी वर्मा जी. तो चलिए अब हम देखते हैं ये कविता. बहुत ही अच्छी कविता है, खूब इंटरेस्टिंग है, पढ़िए और खूब अच्छे से अर्थ समझिए. ओके, आइए देखते हैं कविता. वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना. वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना. महादेवी वर्मा जी कहती हैं, संसार की तो ये नियति है, ये तो नियम ही है कि जो जन्मा है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है. जो आरंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, ये स्वाभाविक है. कवित्री यहाँ पर फूल को संबोधित करते हुए कहती हैं, एक पुष्प को संबोधित करते हुए कहती हैं कि वो फूल ही क्या जो खिले ना, मुस्कुराए ना और मुरझाए ना. फूल का खिलना और कुमलाना यानी मुरझाना, ये संसार की नियति है, ये संसार का चक्र है. एक और उदाहरण देते हुए कहती हैं, तारे सितारे जो कि रात भर चमकते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, मगर प्रातः होते ही उषा की पहली किरण के साथ ही कहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं, कहीं बुझ जाते हैं. ये भी उनकी नियति है, ये भी प्रकृति का नियम है. मगर इन सब चीजों के लिए ना ही फूल और ना ही तारे आंसू बहाते हैं, क्योंकि इसको स्वीकार कर लिया है, ये प्रकृति का नियम है, अखंड सत्य है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, दूसरे अनुच्छेद में. वे नीलम से मेघ नहीं, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह. बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं और बड़ी ही सुंदर तुलना है. कवित्री कहती हैं कि नील निर्मल आकाश, ऐसा लगता है कि बादल इसमें घुल मिल से गए हैं, या ये बादलों में घुल मिल गया है. फिर अचानक कहीं बादलों का बरस जाना, ये तो वसंत ऋतु का आगमन जैसा होता है. कितना सुंदर लगता है, वैभवपूर्ण सारी धरती जैसे खिल उठती है, उसका सौंदर्य आंखों में नहीं समाता, इतना सुंदर. मगर ये सब हमेशा के लिए नहीं होता, थोड़े दिनों के लिए होता है. जब वसंत ऋतु का अंत आता है तो धरती फिर से फीकी पड़ने लगती है, फिर से बंजर जैसी दिखने लगती है. मगर ऋतुराज वसंत इन सब का दुख नहीं मनाते, आंसू नहीं बहाते इस पर, क्योंकि वो भी जानते हैं ये प्रकृति का नियम है, उन्हें लौट कर फिर आना है. नेक्स्ट पैराग्राफ तीसरा अनुच्छेद. वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वे सोने से नयन नहीं जिनपे बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती. यहाँ पर कवित्री बड़े ही सुंदर शब्दों में कहती हैं, वो आंखें, उनका सौंदर्य थोड़ा सा अधूरा लगता है जिनमें आंसू नहीं होते. सुंदर सी आंखों में भी दुख के दो आंसू होने ही चाहिए, और वो मोती जब गिरते हैं तभी हमें जीने की ताकत मिलती है. अर्थात जिस मनुष्य ने कष्ट नहीं देखा, संकट के समय आंसू नहीं बहाए, उसके जीवन का मतलब ही क्या है. मनुष्य के प्राण में दुख पीड़ा भी सहज घुल जाती है, पीड़ा से ही संघर्षशीलता प्रयत्नशीलता का जन्म होता है, पीड़ा से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. इसीलिए कवित्री कहती हैं, वो आंखें ही क्या जिनमें आंसू ही नहीं, जिनमें जीने की चाह नहीं, जिनमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं. चौथा अनुच्छेद देखिएगा.
ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कवित्री अपने पाठकों को, अपने छात्रों को, अपने बच्चों को उत्प्रेरित करते हुए कहती हैं, भगवान के द्वारा बनाई हुई इस लोक में दुख और दुख के साथ जलन घुटन भी सम्मिलित है, सब कुछ मिला जुला है। जब तक मनुष्य जलता नहीं, घुटता नहीं, अपनी दुख की पीड़ा में रोता नहीं, तब तक वो संवेदनशील नहीं बनता और तब तक उसमें आगे बढ़ने की, जीने की इच्छा नहीं होती। मरने मिटने का स्वाद मनुष्य को ही मिला है, उससे इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। या विशेषता मानव का विशेष अधिकार है। अंतिम अनुच्छेद देखिएगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे या मेरा मर मिटने का अधिकार। बहुत ही सुंदर पंक्ति है और बहुत ही अच्छी सोच है। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे कवित्री थोड़ा सा हटके सोचती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएं, जहाँ पे हमारा मनुष्य होने का अधिकार हमसे छिन जाए। कवित्री कहती हैं, क्या ये अधिकार ईश्वर के पास है मरने का? बिल्कुल नहीं। अगर हम अमर लोक में चले जाते हैं तो हमारा मरने मिटने का अधिकार ही हमसे छिन जाएगा, हमें वो स्वाद ही नहीं मिलेगा। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि हमें अपना यह लोक, अपनी यह पृथ्वी ही बहुत प्यारी है, सबसे श्रेष्ठ लगती है। उन्हें देवलोक, उन्हें स्वर्गलोक नहीं पसंद आता, उन्हें नहीं सुहाता जहाँ मृत्यु नहीं है। उन्हें वो जगह अच्छी नहीं लगती जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ पीड़ा नहीं है, जहाँ आगे बढ़ने की चाह नहीं है। जब दर्द होता है तभी हम उससे उबरने का, उससे निकलने का कोई प्रयास करते हैं। अगर सारे सुख मिल जाते हैं तो हम आलसी बन जाते हैं। इसीलिए कवित्री चाहती है कि थोड़ा सा दर्द जिंदगी में होना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ कोशिश करते हैं। इस कविता की सहायता से महादेवी वर्मा जी ने हम लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया है। सो बच्चों, कविता तो हमने पढ़ ली, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। कविता को पढ़ लिया और उसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा, है ना? कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नेक्स्ट पेज खोलिए। पेज खोल लिया। ओके, तभी चलिए अब हम देखते हैं जो यहाँ पे शब्द अर्थ दिए हुए हैं। जैसे हम हर पाठ के बाद में उसके शब्द अर्थ लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं, याद करते हैं, सेम हमें इसमें भी करना है। इन सारे शब्द अर्थों को हमें पढ़ना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और उनको लर्न करना है। ओके, जैसे भाता का अर्थ होता है अच्छा लगना, मेघ बादल, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, ऋतुराज वसंत, नयन आँख, पीड़ा दर्द वेदना, दर्द या पीड़ा, अवसाद कष्ट, स्वाद मजा, करुणा दया, उपहार तोहफा, अधिकार हक यानी कि राइट। तो ये सारे शब्द अर्थ आपको लिख लेने हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हर बार लिखते हैं। अब हम देखते हैं मौखिक प्रश्न क्या है। कवित्री की क्या मनोकामना है? मौखिक प्रश्न है, कवित्री की क्या मनोकामना है, वो क्या बोलना चाह रही हैं बताइए। वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कवित्री कहना चाहती हैं कि हर व्यक्ति को या फिर हर चीज़ को अपना एक अधिकार होता है, जैसे फूलों को खिलने का अधिकार है और उसके बाद मुरझाने का अधिकार भी है, तारों को चमकने का अधिकार है, उसके बाद में उनके बुझ जाने का भी अधिकार उन्हें है। इसी प्रकार से हम मनुष्यों को पृथ्वी पर रहने का अधिकार है और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त होने का, इसलिए उनको स्वर्ग में जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगला है, वे मुस्काते फूल नहीं, कवित्री ने किसको कहा है? कवित्री ने कहा है वे फूल मुस्काते नहीं जिनको मुरझाना नहीं आता, यानी कि वो फूल खिलते ही नहीं जिन्हें मुरझाना नहीं आता, अर्थात जो फूल खिलता है वो मुरझाता अवश्य है, वो जरूर मुरझाता है क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। ऋतु सी, कौन से ऋतु अनंत नहीं होती, कौन से ऋतु अनंत नहीं होती? ऋतुराज यानी कि वसंत ऋतु, कोई भी ऋतु अनंत नहीं होती और बसंत ऋतु भी अनंत नहीं होती। जिस प्रकार से बसंत ऋतु जब आती है तो हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, सब सारे फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, परंतु ऐसा तो नहीं कि साल भर बसंत ऋतु रहती है ना, वो भी तो कभी जाती है और फिर से दोबारा से आती है।
तो इसीलिए बसंत ऋतु अनंत नहीं होती। अब देखते हैं लिखित प्रश्न, इनको क्या करना है, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, यह कविता किसको संबोधित करके लिखी गई है, किसको संबोधित करके लिखी गई है? ईश्वर को, यानी कि जो कवित्री हैं वो ईश्वर से कहती हैं, और फूलों से कहती हैं, प्रकृति से कहती हैं, सभी से कहती हैं, है ना? ओके, अगला है, कवित्री ने कौन सा अधिकार मांगा है, कौन सा अधिकार मांगा? कवित्री ने कहा कि उनको स्वर्ग में जाने का, बिल्कुल भी उनको स्वर्ग में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, उनको यहीं धरती पर रहने का अधिकार चाहिए, क्योंकि धरती पर रहकर वो सुख और दुख दोनों को महसूस करेंगी, और उसके बाद में वो मृत्यु को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करेंगी। ओके, अगला है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है? उन्होंने बोला ईश्वर से, हे ईश्वर, क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और आपका यही उपहार होगा करुणा का कि हमें अमरता प्राप्त होगी और हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो हमें ये अधिकार नहीं चाहिए, ये उपहार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पृथ्वी पर, धरती पर रहना है और दुखों का भी आनंद लेना है और सुखों का भी आनंद लेना है, क्योंकि दुख और सुख दोनों ही आते हैं हमारे जीवन में और दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। वेरी सिंपल, इनको तो हम आराम से पूरा कर सकते हैं। इनको हम कैसे पूरा करेंगे, कविता से देखकर। ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हम पूरा कर लेंगे। एक बार मैं पढ़ देती हूँ, आपको पूरा करना है, वो भी कविता से देखकर। जैसे लिखा हुआ है, वे नीलम, आगे क्या लिखेंगे, के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। ओके, अगले पेज पर देखिए, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ओके, तो इसी प्रकार से हमें इसको फिल कर लेना है पूरा। दिस इज योर होमवर्क, राइट, इसको कर जरूर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, तो देखते हैं क्या है, कौन मुस्काते हैं, कौन मुस्काते फूल नहीं होते, जो मुरझा जाते हैं, जो खिलते हैं, जो सुंदर होते हैं, जो मुरझा जाते हैं। ओके, तो जो मुरझा जाते हैं उस पर टिक लगाइए। कवित्री किस लोक की कामना कर रही हैं, स्वर्ग लोक की, अमरों के, या फिर पाताल की, अमरों के लोक की, है ना? ओके, अगला है, जो घुल जाते हैं वे किसके मेघ नहीं होते, नीलम के। तो सबसे पहले में हमने लिखा, पहला वाला टिक किया, दूसरे वाले में दूसरा वाला टिक किया, और तीसरे वाले में तीसरा वाला टिक किया, वेरी सिंपल। आगे है, दी गई पंक्तियों के भाव स्पष्ट करो। तो आपने कविता का अर्थ खूब अच्छे से सुन लिया है, समझ भी लिया है, तो आपको इनका भाव स्पष्ट करना है। ओके, आपको बताना है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, इसका मतलब है कि फूल जो मुस्काते हैं उनको मुरझाना भी होता है। ओके, जिस इस पृथ्वी पर जो भी चीज खिली है या जो भी चीज़ उत्पन्न हुई है वो मिट्टी अवश्य है, इसी प्रकार से जब फूल खिलते हैं तो वो मुरझाते अवश्य हैं, है ना? जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, अर्थात व्यक्ति को जलने का भी स्वाद पता होना चाहिए और मिटने का भी स्वाद पता होना चाहिए, यानी कि जलना और मिटना भी इस धरती की एक प्रक्रिया है और इस ये सबके साथ में घटित होती है ना? तो हमें इस चीज का भी अधिकार होना चाहिए, मनुष्य को जलने और मिटने का भी अधिकार है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और प्रश्न, नीचे लिखे हुए हैं, भाषा ज्ञानी बनो। इसमें क्या है, कविता में से चुनकर समान तुक वाले शब्द लिखो। तो कविता में से चुनकर हमें समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। आता, आता का समान तुक वाला शब्द है भाता, कविता से देख कर लिखिए, भाता लिखिए। मुरझाना का बुझ जाना, मुरझाना का बुझ जाना,
अगला अवसाद का स्वाद, ओके स्वाद, चाह राह, चाह के अगिल के राह, यही तो है उसका समान तुक वाला शब्द, मोती का सोती, ओके। और आगे है कविता में से ढूंढकर पांच संज्ञा वाले पांच संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो बच्चों ये तो आप ही का वर्क है, इसको संज्ञा शब्द आपको ढूंढ लेने हैं कविता से और इनको लिख लेना है, पांच संज्ञा शब्द, बहुत सारे संज्ञा शब्द मिल जाएंगे, तो कोई भी पांच आपको लिखने हैं, राइट। इस पर टिक करिए जल्दी से, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट पेज खोलिए, खोलिए नेक्स्ट पेज, चलिए देखते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाओ। संयुक्त व्यंजन यानी कि क्या है, एक शब्द आधा है और दूसरा पूरा है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे न, ना, आधा, एक आधा ना है, उसके बाद में न, यानी कि इसका उच्चारण होगा न, न। अगला है सा, आधा स, आधा श, फिर व, श्व, फिर उसके बाद में श, आधा श, ट, ष्ट, फिर स, व, आधा स, व, स्व, आधा ता, य, त्य। तो देख लीजिए हमने न से क्या शब्द बना सकते हैं हम, प्रसन्न और भिन्न। अगला श्व से विश्व, अश्व, है ना। स्ट से कष्ट, नष्ट, है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। स्व राजस्व, स्वर्ग, त्य नित्य, साहित्य। बच्चों मैं अभी आपको दिखा दूंगी आपको कैसे ये शब्द लिखने हैं, ओके अभी समझ लीजिए। आगे क्या है, जोड़े बनाओ। तो जोड़े बनाने हैं, अब हमको जोड़े बनाने हैं, तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे। फूल का जोड़ा कौन सा होगा, आंसू, जलना, स्वाद, कांटा, वर्षा, आकाश, कांटा, वेरी गुड। तो फूल को कांटा से मैच करिए। फिर आगे तारे, तारे को आकाश से, फिर मेघ, मेघ को वर्षा से, नयन, नयन को आंसू से, आग, आग को जलना, जीभ, स्वाद। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे इनको करना है। देखिए बच्चों जो पहले वाली एक्सरसाइज थी नंबर 3 वाली, जिसमें आधे शब्द हैं और पूरे हैं, उनको देख लीजिए, मैच कर लीजिए कैसे लिखना है हमें। न के लिए हमने लिखा है प्रसन्न और भिन्न, लिख लीजिए। स्व विश्व अश्व, स्ट कष्ट नष्ट, स्व राजस्व स्वर्ग, त्य नित्य साहित्य, लिख लीजिए, गुड, आई होप लिख लिया होगा। अब अगला देखते हैं, देखिए जोड़े बनाओ। फूल, फूल को हमने कांटा से जोड़ा बनाया था, तारे आकाश, मेघ वर्षा, नयन आंसू, आग जलना, जीभ स्वाद, लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। कोई बात नहीं, अगर साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो बाद में आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद में लिख लेना, या फिर अभी भी वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिए, उसके बाद में आगे देखिए, राइट। चलिए अब हम देखते हैं आगे। बच्चों आज हम देखेंगे पत्र लिखना, पत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं पत्र लिखने के बारे में। क्या तुम जानते हो कि पत्र लेखन एक कला है, या संचार का एक प्रमुख साधन है। इसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में लोग जब फोन नहीं थे तो क्या करते थे, पत्र भेजा करते थे, अपने हालचाल लिखते थे, या कोई भी घटना घटित हो जाती थी तो उसके बारे में भी पत्र से ही भेजते थे, है ना, ओके। तो पत्र कैसे होते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। अब देखते हैं कैसे होते हैं ये, किसी अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र जिसमें उनसे कोई प्रार्थना या निवेदन होता है उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। कैसे पत्र, औपचारिक पत्र जो किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, और माता पिता मित्र या रिश्तेदार को लिखे जाने वाले पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अर्थात जो पिछले ज़माने में जो पहले क्या होता था, जब पत्र भेजे जाते थे एक घर से दूसरे घर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, वो अनौपचारिक पत्र होते थे जो हमारे, जो हम अपने रिश्तेदारों को भेजते थे, ओके। अगले पेज पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। पत्र की लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए,
हमेशा साफ सुथरा लिखना चाहिए, तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि जब भी हमें कुछ लिखना है तो हमें बिल्कुल साफ सुथरा सा लिखना है। विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग होना चाहिए, है ना। जिसको पत्र लिखा जा रहा हो उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग होना चाहिए, जैसे श्रीमान जी, श्रीमती जी, है ना। इन शब्दों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, स्पेशली कविता आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए और उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, बाय।